करने लगा, एग्जाम से पहले दिल मेरा धक धक करने लगा। सो कैसा सारे स्वागत है कमल श्री आर के में। नमस्ते सभी को। पता नहीं ऐसा लगा कि बहुत ही देर बाद एग्जाम्स दे रहे हैं। लिटरली मैंने मार्च में दिए थे और ये सितंबर, 6 महीने के बाद एग्जाम देने लगे हैं। और पता नहीं यार, मतलब बेस्ट ऑफ लक टू मी। चल चलते हैं एग्जाम देने। 2 घंटे पहले जा रहे हैं ताकि कोई पढ़ाकू बच्चे को पकड़ के कहें कि बस अब तू अपनी रिवीजन कर मुझे पढ़ा के। टीचर 1, टीचर 2, टीचर 3, और ये बेचारी किताब मेरी खाली खाली। आज चलते हैं ब्लॉग में, आरके के ब्लॉग में। ये पढ़ रहा है ओएबीएस का। 6 बजे का एग्जाम है, इसमें 5 बजे तो पढ़ना ही चाहिए। ये सारे झूठ बोल रहे हैं। ये बंदा पूरा पढ़ गया है, इस पे सारे हाइलाइटेड है। खाली खाली झूठ मत बोलना, तेरा खुद का व्लॉग है। और सब लोग पढ़ रहे हैं आरके के साथ। पहला एग्जाम खत्म हो गया भाई साहब, और सारे क्या लिखा है? लेवल्स पढ़े थे, लेवल्स पढ़े थे, लेवल्स नहीं पढ़े थे, लेवल्स लेवल्स नहीं पढ़ा। पर मैं बता रहा हूँ लेवल पे जाने कैसे जाना कैसे। ये सबने लिखा है, ये सबने लिखा है, बट सबको पता था कि लेवल 4 अच्छा है, लेवल 4 अच्छा है, लेवल 4 अच्छा है। इस कंपनी को रखा किस लेवल पे? मैंने लेवल 2 पे रख दिया। मैंने कहा बीच से में रख देते हैं। कहाँ रखा? वो पूछा था ना, उसने पूछा था ना कौन से लेवल पे है कंपनी। चलो ये पेपर तो हो गया, अब जैसे होना था अब अगले पेपर की तैयारी करते हैं घर वापस। लो भाई राजमा चावल, आज राजमा चावल बनवाए थे। और जब जब हमारे राजमा चावल बनते हैं, चाहे कितने कम लोग हैं कितने ज्यादा लोग हों, आज कारण है नहीं, और फिर भी चावल राजमा दोनों खत्म। मैंने आंटी को नहीं बोला था आंटी कम बनाना, बट खत्म, क्योंकि राजमा चावल इज लव। चलो अब थोड़ी देर बाद पढ़ना भी शुरू करना है यार। 3 दिन अब पूरे बच्चे पढ़ने वाले, पढ़ लेते हैं थोड़ा और एफर्ट लगा लेते हैं, क्या पता कुछ बनी जाए। इतनी थ्योरीज पढ़ रहा हूँ, इतनी थ्योरीज पढ़ रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि यार मतलब पेपर में जाके कैसे ना मिक्स हो, कैसे ना मिक्स करो। अब यहाँ पे बंडूरा था एक, उसने साल्ट एंड एफिकेसी थ्योरी तो बनाई बनाई, साथ में एक और कौन सी बना दी, सोशल वाली थ्योरी और बना दी, सोशल लर्निंग थ्योरी। एक एक में नाम आ गया था ना तेरा, तो 2 में नाम घुसेड़ने की क्या जरूरत थी, नॉर्मल रख ले। सब में सारी थ्योरी बना दे रहा, सिलेबस बढ़ा दे रहा। अब मेरे को क्या करना होगा, मैं बैठ के एलएनडी को बना रहूंगा, मैं थोड़ी थोड़ी सोचूंगा कि बंडूरा ने क्या बताया था, वही उससे एलएनडी का बनाते हैं, सीधा प्रोसेस लगाएंगे और काम हो जाएगा अपना। बैठ के सिलेबस बढ़ा दिया मेरा, रात को जाके पढ़ो बैठ। चलो जी आज है सेकंड डे ऑफ एग्जाम। आज हमारा एग्जाम है लर्निंग एंड डेवलपमेंट का। तो मुझे लगता है कि मेजोरिटी ऑफ बच्चों को सब्जेक्ट पसंद नहीं आया, पता नहीं है सब्जेक्ट ही ऐसा है या फिर पता नहीं क्या, हाँ अजीब सब्जेक्ट है बहुत। अगर बहुत कोई दिक्कत दुक्का होंगे उनको पसंद आएगा, नहीं तो ये सब्जेक्ट नहीं है। मतलब कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो सब्जेक्ट ही क्यों है, यही इनकी एग्जिस्टेंस ही। बट ठीक है चलते हैं अभी कॉलेज, अभी बजे 2, ये पर है 6 बजे। मैं सोचा कि शायद लंच कर लूँ, अगर कॉलेज जाते जाते भूख लगे, नहीं तो देखता हूँ यार। मतलब पता क्या, जब ज़्यादा नर्वसनेस बढ़ जाती है फिर भागो कॉलेज ही, कुछ तो पढ़ेंगे किसी से। चलते चलते हैं। पराठे पसंद आ गए पंकज भाई? हाँ वैलिड, और वो भी मुझे खिचड़ी भी अच्छी लगती है। खिचड़ी इसने खाई, खिचड़ी कैसी लगी? कितने की है? बट वो बहुत क्वालिटी है, बहुत अच्छी, ज्यादा बहुत क्वांटिटी में तो खत्म ही नहीं हुई। अगर दाल में थोड़े पापड़ और अचार भी मिल जाता है। वो आपने उसकी खाई है? ऑनलाइन मिलती है द ग्रेट खिचड़ी एक्सपेरिमेंट, उसकी बड़ी अच्छी लगती है मुझे खिचड़ी। कंपनी का रेवेन्यू लगातार ग्रो कर रहा है, नॉट बट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, इकोनॉमिक अच्छा नहीं है।
अभी चल रही क्लास में आफ्टर पेपर डिस्कशन, सारे पढ़ाकू पढ़ाकू लोग बोल रहे हैं मेरे 30 मेरे 35 मेरे 40 40 और क्या मैंने आखिरी क्वेश्चन देखा मैंने ये क्या आ गया पेपर था छोड़ो बस नहीं नहीं डिस्क्राइब कर सकते हम ज्यादा हो गया एमबी हो गया एमबी होगा सब के बाद हो जाएगा बट आजकल 8 बजे आने का ये बहुत तगड़ा फायदा ये हो जा रहा है कि भाई मैं 10 से 11 मिनट में घर पहुंच जाता हूँ और क्या चाहिए इससे अच्छा फायदा। चलो अब खाना वाना खाएं। मैं सोच रहा हूँ कि बस मुझे लगता नहीं आगे कोई ब्लॉग करूँगा तो नेक्स्ट ब्लॉग में आ जाएगा। वीडियो बढ़ने लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके कमेंट करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। नमस्ते।